हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल टू ब्रोज ऑटोमोटिव। आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो है शेवी क्रूज पर। अभी मैं ऑलरेडी गाड़ी चला रहा हूँ, ये गाड़ी मैंने परचेस किया है टू रिस्टोर दी एंटायर कार। तो इस गाड़ी का फर्स्ट ओवरव्यू बताएंगे आपको, गाड़ी की हालत क्या, कंडीशन क्या है, क्या क्या चीज़ की प्रॉब्लम है इस गाड़ी में, और फिर इसको स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग फिक्स करेंगे हर एक चीज़ों को, इंक्लूडिंग पेंट जॉब और सारी सारी चीजें, मतलब कस्टम पेंट भी होगा इस गाड़ी पर। गाड़ी की हालत कुछ ऐसी है। अभी हम लोग बताएंगे आपको गाड़ी का इंटीरियर। हेडलैम्प्स हमने निकाल के रखे, स्पीडोमीटर हमें चेंज करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं चल रही है, तो स्पीडोमीटर हमने मंगा के रख लिया है, और एयर फिल्टर भी थोड़ा क्लीन करना है। गाड़ी को अंदर से काफ़ी क्लीनिंग की ज़रूरत है। इस गाड़ी को कम्प्लीटली रिस्टोर करेंगे और कस्टम पेंट भी करेंगे। गाड़ी की जो टिंट होती है वो खड़े खड़े सब खराब हो गई है। टायर्स भी हम लोग चेंज करेंगे। सो दिस इज 2.0 शेवी क्रूज मैनुअल। एंड दिस इज बटन स्टार्ट एंड सनरूफ। तो ये दोनों चीजें है गाड़ी में। साइड का मिरर भी टूटा हुआ है। वर्किंग कंडीशन में देयर इज नो प्रॉब्लम विद द सनरूफ। ठीक है, ये खुल गया सनरूफ। और ये हमने सनरूफ को बंद कर दिया। परफेक्ट सर, देयर इज नो इशू विद द सनरूफ। इंजन में भी गाड़ी के कुछ ऐसा खास काम नहीं है। तो जो भी काम करेंगे इस गाड़ी की, इसकी बॉडी लाइन पे करेंगे, इंटीरियर पे करेंगे, और कोशिश करके इंटीरियर को सुधारेंगे। तो जैसा अपन गाड़ी चला रहे हैं, स्टेयरिंग वेयरिंग तो परफेक्ट है एकदम, शिफ्टिंग भी एकदम परफेक्ट है गाड़ी की, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंजन चेक लाइट दिखा रही है, बट विल स्कैन दैट। बेसिकली हम लोग अभी जितने भी ऑयल लीकेज थे वो चेक कर रहे हैं। गाड़ी को वॉश करके देखेंगे कि कितने ऑयल लीकेज है इधर पे। तो वॉश करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वॉश होने के बाद हमको पता चलेगा कि माइनर लीकेज किधर है इंजन में। तो ये करेंगे और फिर आगे बताएंगे आगे क्या करने वाले हैं। सारा ऑयल निकल के जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग गाड़ी को स्लोप पे रख के वॉश कर रहे हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोग इसी के लिए करते हैं कि गाड़ी की लाइफ बनी रहे और इंजन थोड़ा और रिफाइंड हो। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू इट, कॉस्मेटिक्स तो सिर्फ कॉस्मेटिक्स, लेकिन हम लोग का जो फंडा है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग का प्लान ऐसा है कि हम लोग पूरी गाड़ी को रिस्टोर करें, एंड इवन वी फोकस ऑन द रिफाइनरी पार्ट ऑफ द कार, मतलब इंजन पार्ट ऑफ द कार, वेर द कार शुड बी मोर रिफाइंड। यहाँ पर इंजन बे क्लीनिंग कर रहे हैं थोड़ा बहुत, जितने सारे ग्रीस है वो सब निकालेंगे, कोशिश करेंगे निकालने की। जैसे ये हो गया, फिर ये ग्रीस का पार्ट हो गया, और
उसमें बॉडी फीलिंग और अभी बॉडी फीलिंग होके सारी चीज़ें हो गई है, टू के प्राइमर भी मार दिया है, चेक भी हो गई, सारी चीज़ें कवर हो गई है। अभी हम लोग इसका कलर डिसाइड नहीं किए, प्लान कर रहे हैं, दो तीन कलर्स जो है वो दिमाग में है। वन ऑफ द कलर वॉज नाडो ग्रे, लेकिन नाडो ग्रे हमने कैंसिल कर दिया है। द रीज़न इज नाडो ग्रे सिर्फ फोटोजेनिक कलर है, रियल लाइफ में इट डजेंट लुक दैट वाओ। मे बी BMW मर्सिडीज में वो अच्छा लगता होगा, बट नॉट इन सच कार्स। ये हो रहा है वैक्स प्रोसेस, पॉलिश के बाद वॉश एंड वॉश के बाद वैक्स।